ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले के लिए भारत की बिल्कुल नई ओपनिंग जोड़ी का हुआ ऐलान। केएल राहुल हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला अब से कुछ ही घंटों के भीतर शुरू होने वाला है। आपको बता दें कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मुकाबला हमें नागपुर में होता हुआ नजर आएगा। यह मुकाबला नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाना है। मुकाबला 9 फरवरी को खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। आपको बता दें कि रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया की निगाहें ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मुकाबले में पटकनी देने पर होगी। भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी फिलहाल शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ऐसे में टीम इंडिया अपने इस शानदार प्रदर्शन को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बरकरार रखना चाहेगी। हालांकि आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम एक धाकड़ ओपनिंग जोड़ी के साथ मैदान पर नजर आने वाली है, जहां पर ये दोनों ही धाकड़ खिलाड़ी टीम इंडिया को पहले टेस्ट मुकाबले में अच्छी शुरुआत दिलाना चाहेंगे। दरअसल आपको बता दें कि पिछले कुछ वक्त से रोहित शर्मा और सुमन गिल टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत कर रहे हैं। रोहित शर्मा के साथ सुमन गिल पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। हाल के दिनों में इन दोनों ही खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि साल 2023 में रोहित शर्मा और सुमन गिल ने टीम इंडिया को अच्छी शुरुआत दिलाई है। ऐसे में ये दोनों खिलाड़ी एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम की ओर से पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। सुमन गिल का हालिया फॉर्म बेहद ही शानदार है, जबकि कप्तान रोहित शर्मा ने भी अपनी पुरानी लय हासिल कर ली है। ऐसे में रोहित शर्मा और सुमन गिल ही हमें पहले टेस्ट मुकाबले में पारी की शुरुआत करते हुए नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।